ज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोर शाला आज के इस वीडियो में हम पेपर 2020 का सेट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सेट थ्री में किस तरीके के क्वेश्चन हुए थे तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दॉट अ नॉन टेक्स रेवेन्यू रिसीट अब इसमें से नॉन टेक्स रेवेन्यू रिसीट कौन सा है वो हम देखते हैं सो गुड्स एंड सर्विसेस पहला ही जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है हमारा नॉन टेक्स रेवेन्यू रिसीट अब हमने टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट दोनों के बारे में पढ़ा है तो यहां पे हमारा सही आंसर कौन सा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेक्स्ट इज डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है हमारे को पता है कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब ये दोनों बराबर होते हैं तो वो कौन सी सिचुएशन होती है इक्लिबेरियम की जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से तो ये कौन सी सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड से तो ये कौन सी सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की यानी कि डिफ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या इंडिकेट करता है डेफिशिएंट डिमांड ओके सो द आंसर इज डेफिसिट डिमांड

तो मनी सप्लाई हमने पढ़ा है सी प्लस डी यानी कि करेंसी जो कि लोगों के हाथ में है डिमांड डिपॉजिट और इसमें एक और होता है विच इज अदर डिपॉजिट ओके इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी राइजेस यानी कि मान लीजिए कि हमारी जो करेंसी उसकी वैल्यू बढ़ गई ठीक है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द इकोनोमी इज लाइकली टू बी अब यहां पे जो एक्सपोर्ट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी वो गिर जाएगी अब ऐसा क्यों होगा क्योंकि हम हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो किसी के किसी कंट्री में हो रहा है और उनके लिए वो क्या है इंपोर्ट है अब जब हमारे यहां की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है तो उनको इंपोर्ट के लिए उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी और उनको पेमेंट जब करनी पड़ेगी तो उनके लिए वो ज्यादा महंगा होगा तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट यानी कि उनके लिए तो इंपोर्ट और हमारे लिए जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर फॉर डाउन दिख जाएगा ओके सो यहां पे यही चीज बोली गई है इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी राइज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी इज लाइकली टू बी फॉल ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मीनिंग ऑफ इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंट्री क्या होता है ये उस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है ठीक है वो आ, जो भी वो काम करने के योग्य हैं मतलब दे आर एबल टू वर्क उनकी काम करने की इच्छा है यानी कि दे आर विलिंग टू वर्क एट दी एग्जिस्टिंग वेजरेट जो भी उनको वेजरेट मिल रही है ठीक है मतलब उनकी इच्छा है पूरा कि वो काम करें लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है तो ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट uh, होता है ये होता है इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट सो इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट दी वर्क और इसी का जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ अब ए के बारे में हमने पढ़ा है ए क्या होता है टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम ठीक है सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम

टोटल डिपॉजिट का रखते हैं टर्म डिपॉजिट का रखते हैं टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट का रखते हैं या फिर करंट डिपॉजिट्स का रखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपके दो करेक्ट आंसर हैं। सबसे पहला तो है टोटल डिपॉजिट और दूसरे नंबर पे है टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट तो आपके एग्जाम में अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी एक टेक कर सकते हैं ओके डिफाइन फॉरन एक्सचेंज रेट अब फॉरन एक्सचेंज रेट क्या है इसको हम डिफाइन करते हैं सो फॉर एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री ये वो रेट होती है जैसे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज होती है दिस इज नोन एज फॉरन एक्सचेंज रेट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी डेफिसिट कैन बी जीरो इफ अब प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब हो सकता है लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि कोई भी कंट्री को, किसी भी कंट्री को कितना बोरो करना चाहिए जिससे कि उसका जो अनबैलेंस्ड बीओपी है वो बैलेंस uh, हो जाए लेकिन इसका पार्ट क्या नहीं होता है जो प्रीवियस बोरोइंग्स होती हैं उसको पे करने में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट लगती है वो इसका पार्ट नहीं होता है ठीक है सो दिस इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट अब ये जीरो कब होगी जब फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर होंगे तब प्राइमरी डेफिसिट विल बी जीरो ओके ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट अब करंट अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा है करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के दोनों के दोनों ही अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा है करंट अकाउंट में हम किसे कंसिडर करते हैं विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स को हम कंसिडर करते हैं अब इसमें डेफिसिट क्या होता है देखो दो चीज़ें होती हैं एक होता है कि हम हमारी जो रिसीट होती है एक होता है कि हम पेमेंट करते हैं ठीक है रिसीट यानी कि हमारी इनकम और पेमेंट यानी कि हमने पे किया है ओके तो जब हमारी इनकम जो होती है वो होती है कम और जो हम पेमेंट ज़्यादा कर देते हैं तो ये जो सिचुएशन होती है ये कहलाती है डेफिसिट की ओके सो करेंट अकाउंट डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ पेमेंट सो यहाँ पे क्या होता है एक्सेस ऑफ पेमेंट होता है अब किस चीज का पेमेंट होता है फॉर द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स यानी कि हम पेमेंट किसका करते हैं भाई हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में जब इम्पोर्ट होता है तभी हम पेमेंट करते हैं तो अब यहाँ पे इम्पोर्ट किस किस चीजों का हुआ है विजिबल आइटम्स का हुआ है इन विजिबल आइटम्स का हुआ है एंड यूनिटरल ट्रांसफर्स का हुआ है ओवर द रिसीट किसके अब हमने Uh, यहाँ पे ये चीज़ देख ली कि पेमेंट हमने किया है पेमेंट तो हमने किया है यानी कि पेमेंट हमने ज़्यादा किया है किससे ज़्यादा किया है रिसीट से यानी कि हमारी इनकम से सो so, यहाँ पे ओवर वर्ड यूज़ किया गया है तो ये ओवर क्या चीज़ बता रहा है ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि हमने पेमेंट ज़्यादा किया है किससे हमारी इनकम से हमारी रिसीट से ओवर द रिसीट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब हमारे हमारी कंट्री से कितना चीज़ एक्सपोर्ट हुई है दो फैक्टर्स होते हैं एक तो होता है एक्सपोर्ट एक होता है इंपोर्ट यानी कि हमने इंपोर्ट में पेमेंट ज्यादा करी है जबकि हमें एक्सपोर्ट में पेमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए थी हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए थी एक्सपोर्ट से लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई कि हमारा इम्पोर्ट ज्यादा हो गया यानी कि हमने पेमेंट ज्यादा करी है इसलिए हमारी जो इकोनमी है वो कही कहीं ना कहीं डेफिसिट की सिचुएशन में आके फंसी है ओके okay? सो so, पे ओवर द रिसीट फ्रॉम वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स इन विजिबल आइटम्स एंड यूनिलिटर ट्रांसफर्स ठीक है तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब इम्पोर्ट पे पेमेंट ज्यादा करिए किससे हमारे एक्सपोर्ट की इनकम से ओके okay? नाउ अब हम जब ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो वो क्या होता है सो ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ पेमेंट्स फॉर वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओवर दी वैल्यू ऑफ रिसीट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स अब यहाँ पे क्योंकि हमने जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था बी ओ टी के बारे में जब हम पढ़ते हैं एक तो होता है बी ओ पी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड तो जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ विजिबल आइटम्स को कंसिडर करते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ठीक है अब यहाँ पे है ट्रेड डेफिसिट यानी कि वही सेम कॉन्सेप्ट है ट्रेड डेफिसिट यानी कि इम्पोर्ट हमारे ज्यादा हुआ है एक्सपोर्ट से यानी कि हमने इम्पोर्ट में जो पेमेंट की है वो तो है ज्यादा हमारी इनकम से तो यहाँ पे यही चीज समझाई गई है इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ द पेमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स हम सिर्फ विजिबल आइटम को यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्योंकि हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं ओवर वैल्यू ऑफ रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स ओके और इसके अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स काउंट होते हैं नेक्स्ट इज बी ओपीज बैलेंसड इन दी अकाउंटिंग सेंस अब अकाउंटिंग सेंस में बी ओपी हमेशा बैलेंस रहता है डिफेंड और रिफ्यूट दी गिविन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन सो द गिंग स्टेटमेंट इज डिफेंडेड अब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है एज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अब बीओपी जो है वो किस चीज पे बेस्ड है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे ये चीज बेस्ड है एनी डेफिसिट या फिर सरप्लस क्रिएटेड थ्रू ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन आर करेक्टेड बाय द दस्पोडिंग सरप्लस और डेफिसिट इन दी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन बाय द मॉनिटरी अथॉरिटी अब यहां पे ये चीज बताया गया है कि बीओपी में अगर कभी सरप्लस बीओपी के जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं इनमें कभी सरप्लस से डेफिसिट देखा भी गया देखा भी अगर गया है या फिर कभी हो भी जाता है तो इसको कैसे करेक्ट किया जाता है अकोमोडेटिंग आइटम यानी कि ऑफिशियल रिजर्व से इसको करेक्ट किया जाता है तो अगर हम ये बोलें कि बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको बैलेंस किया जाता है ठीक है सो बी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन द काउंटिंग सेंस इज़ रॉन्ग राइट ओके okay, सो so हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज फिजिकल डेफिसिट अब अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट आर ठीक है तो अप, अपन को क्या करना है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडर एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीट अपन को माइनस करना है तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट अब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या अपन अपन को को गिवन है तो टोटल में एक्सपेंडि थ्री एट टू वन सो ये हमारे पास में यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब हमारे पास हमको चाहिए टोटल रेवेन्यू रिसीट तो टोटल रेवेन्यू रिसीट के दो पार्ट से हमने पढ़े हैं एक होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स ठीक है सो यहाँ पे हमारे पास में टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा टोटल रेवेन्यू रिसीट सो यही हुआ है यहाँ पे इन दोनों को जब प्लस कर दिया है तो हमारे पास में आ गया टोटल रेवेन्यू रिसीट और यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीट माइनस कर दिया है तो हमारे पास में क्या आ गया रेवेन्यू डेफिसिट ओके सो आई होप रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालना है ये आपको क्लियर हुआ होगा अब हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं सो फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम या फिर टोटल रिसीट अब यहाँ पे हम हमें क्या करना है कि हमें टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल हमारी जो इनकम है उसको माइनस करना है तो सबसे पहले अपन टोटल एक्सपेंडिचर की तरफ देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर क्या क्या है इसके हमारे पास में यहाँ पे देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक पार्ट तो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा यही चीज हुई है यहाँ पे ये यह है ये है हमारा रेवेन्यू और ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अब इसे हम किसमें से माइनस कर देंगे रिसीट में से माइनस कर देंगे तो रिसीट अपने पास में कौन कौन सी है ये है अपने पास में ये है अपने पास में ठीक है उसके बाद में डिस इन्वेस्टमेंट है अपने पास में और रिकवरी ऑफ लोन्स हैं। ओके सो ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे मिलकर के हमारे पास में क्या निकल के आएंगे हमारी इनकम टोटल इनकम या फिर टोटल रिसीट सो यही हुआ है यहाँ पे हमने इन सबको प्लस कर दिया है तो हमारे पास में हमारी टोटल इनकम निकल के आ गई है अब हमने यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम माइनस कर दिए तो हमारे पास में फिजिकल डेफिसिट निकल के आ गया है ओके सो सिंपल फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम और इसका फॉर्मूला क्या था टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गिवन फिगर व्हाट इज द गैप केटी रिप्रेजेंट अब ये जो के टी गैप है ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है स्टेट एंड डिस्कस एनी टू फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट दी सिचुएशन अब ये सेम क्वेश्चन हमने पिछले सेट में भी किया था ये क्या बताता है इन्फ्लेशनरी गैप को ये दर्शाता है अब इसको हम आगे समझते हैं तो के टी रेप्रेजेंट इन्फ्लेशनरी गैप अब इसको करेक्ट करने के हमें दो फिजिकल मेजर्स के बारे में बात करनी है तो सबसे पहला है इंक्रीज इन टैक्सेस क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं इसलिए इसको फटाफट से देखते हैं टू कर्व द इन्फ्लेशनरी गैप द दवर्मेंट में टैक्सेस अब क्या होगा कि लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम काफी ज्यादा है इसलिए इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन देखी जाएगी तो गवर्नमेंट इस इस सिचुएशन में क्या करेगा कि टैक्सेस को बढ़ा देगा तो जैसे ही टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी सो दिस में रिड्यूस दी परचेजिंग पावर इन दी हैंड्स ऑफ दी पब्लिक विच इन टर्न में रिड्यूज एग्रीगेट डिमांड जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा इन द इकोनोमी टू ब्रिंग इट इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई और वापस से एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगा तो सबसे पहली चीज तो हमने ये देख ली दूसरा मेजर है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें करनी पड़ेगी सो टू कर्व द इन्फ्लेशनरी गैप द गवर्नमेंट में रिड्यूस इट्स नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अब कौन से एक्सपेंडिचर को यहां पे कम करना पड़ेगा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को दिस में रिड्यूस रिड्यूज दर्चेसिंग पावर अब इससे क्या होगा कि वही सेम चीज जो परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी इन हैंड्स ऑफ दी पीपल विच इन टर्न विल रिड्यूस रिड्यूज एग्रीगेट डिमांड जिसकी वजह से क्या होगा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में और वापस से कम होकर के किसके बराबर आ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगी ओके

corresponding to full employment level ab yahan pe jo employment level hota hai wo kaisa hota hai full employment level hota hai two fiscal measures are to control it ab do fiscal measures jaise ki humne wahan pe increase in taxes kiya tha to yahan pe hum decrease in taxes kar lenge और वहां पे जैसे हमने increase in government expenditure किया तो तो यहाँ पे हम decrease in government expenditure कर लेंगे Okay, बाकी सब चीजें बिल्कुल same है बस जो measures हैं उनको हम वाइस वर्सा कर देंगे Next question is to boost the falling demand in the economy. The Reserve Bank of India recently reduced repo rate. Elaborate the rationale behind the steps taken by the central bank. सो रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स फंड टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो रेपो रेट क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक्स को एक पर्टिकुलर रेट पे uh, क्या देती है क्रेडिट दे, दे, देती है ठीक है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अ डिक्लाइन इन रेपो रेट अब जैसे इस रेपो रेट में कमी हो जाती है इट मे इंड्यूस कमर्शियल बैंक टू रिड्यूस द लेंडिंग रेट्स अब इससे क्या होगा कि जैसे ही रेपो रेट में कम कमी हो जाती है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसकी भी लैंडिंग में भी कमी हो जाएगी ओके okay? उनकी भी लैंडिंग रेट में कमी हो जाएगी सो इट में इंड्यूस द कमर्शियल बैंक टू रिड्यूस लेंडिंग रेट्स दिस में एनकरेज डिमांड फॉर लोन्स इन द मार्केट अब इससे क्या होगा कि जो लोन की डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाएगी इन द मार्केट लीडिंग टू ग्रेटर फंड्स एट द डिस्पोजेबल ऑफ दी जनरल पब्लिक और जनरल पब्लिक के पास में क्या हो जाएगा फंड्स की जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी दिस में लेड टू क्रिएशन ऑफ हायर एग्रीगेट डिमांड इन दी इकोनॉमी और कहीं ना कहीं जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो भी बढ़ जाएगी ओके okay? कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस अब यहाँ पे अपन को जीवीएम पी निकालना है हमारे पास में कौन कौन सी चीजें गिवन है डेप्रिसिएशन गिवन 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 है 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 डोमेस्टिक सेल्स अपन अपन को को चेंज इन स्टॉक एक्सपोर्ट अपन को गिवन है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अपन को गिवन है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अपन को यहाँ पे गिवन है सो so, यहाँ पे हम कौन कौन सी चीजों को एड कर देंगे सबसे पहले डोमेस्टिक सेल इसमें ऐड होगी चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड होगा एक्सपोर्ट इसमें ऐड होगा और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इसमें ऐड ऑन होगा ओके okay, सो so ये चारों फैक्टर्स इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे टू कैलकुलेट वॉट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ओके सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल गोइंग टू बी एटी लैक्स वैल्यू ऑफ द नॉमिनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जी एन पी ऑफ एन इकोनोमी वॉज रुपीज टू फाइव जीरो जीरो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें ये बताया गया है इकोनोमी में जो जीएनपी है वो कितना है रुपीज टू फाइव जीरो जीएनपी ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इवेल्युएटेड एट द प्राइस ऑफ द दर वॉज थ्री थाउजेंड क्रोर्स अभी इसी सेम ईयर में जब हमने बेस ईयर के प्राइसेस को जब कंसिडर किया तो हमारा जीएनपी क्या निकल के आया थ्री थाउजेंड क्रोर्स कैलकुलेट दि वैल्यू ऑफ जी एन पी डिफ्लेटर अब यहाँ पे अपन को जी एन पी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है ऑफ द ईयर इन दीसेंटेजेज टर्म्स में हमें जी एन पी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है ठीक है प्राइस लेवल राइज इन बिटवीन देश ईयर एंड दी करेंट ईयर अंडर देशन अपन को ये बताना है कि जो प्राइसेज है वो बेस ईयर और ये वाला जो करेंट ईयर है इन दोनों में इन दोनों का जो कंपेरिजन हमें करना है और हमें बताना है कि जो प्राइसेज है वो बड़ी है या कम हुई है सो so, यहाँ पे हमको जो नॉमिनल जीएनपी कितना दे रखा है टू फाइव जीरो जीरो रियल जी एन पी हमको यहाँ पे कितना दे रखा है यानी कि जो बेस ईयर जो हमारा जीएनपी है बेस ईयर प्राइसेस से जो हमने जी कैलकुलेट किया है वो कितना है थ्री थाउजेंड सो जी डिफ्लेटर का फॉर्मुला हमें पता है नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जी ठीक है सो नॉमिनल हमारे हम नॉमिनल की जगह नॉमिनल की वैल्यू डाल देंगे रियल की जगह हम रियल की वैल्यू डाल देंगे और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 83.33 थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ओके सो नो दाइस लेवल फ्रॉम ईयर अब इससे क्या पता लगता है कि हमारी जो प्राइस है वो बेस ईयर से रिड्यूस हुई है ठीक है टू करंट ईयर बाय 16.67 परसेंट ओके ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो अब यहाँ पे हमारे पास में प्लैंड इन्वेस्टमेंट गिवन है विच इज रुपीज हंड्रेड और हमारे पास में c is equals to 50 अपन को यहाँ पे गिवन है अब अपन को निकालना क्या क्या है डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज जो अपन को कैलकुलेट करनी है दैट इज कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सो सबसे पहला जो चीज है हमारे पास में जिसमें हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई ये हमें पता है कि इकोनॉमी में इक्लिबरियम लेवल कब होता है जब C प्लस आई होता है ठीक है ओके सो Y अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है C और I अपन को गिवन है ये है हमारा C और ये है हमारा आई तो जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास में वाईज टू कितना निकल के आया रूपीज थ्री हंड्रेड क्रोर्स सो इक्लिबीरियम लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज थ्री हंड्रेड क्रोर्स अब जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का विच इज सेविंग एंड कंजन एक्सपेंडिचर एट इक्लिबिर लेवल तो ये जब हम निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे सो एस इजिक्वल्स टू सी अपन को कितना गिवन है माइनस फिफ्टी प्लस वन बी अपन के पास में क्वेश्चन में जीरो पॉइंट फाइव है और वाई जब अपन ने कैल्कुलेट किया है तो कितना निकल के आया थ्री हंड्रेड तो जब अपन ने इसको कैलकुलेट किया है तो अपने पास में आंसर कितना आया रुपीज हंड्रेड क्रोर्स अब वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस इक्म लेवल होता है y और एस अपने पास में निकल के आ गया है है ठीक c और ये अपना क्या हो गया एक्सपेंडिचर ठीक है ये अपना हो गया सेविंग एक्सपेंडिचर राइट सो जो हमारा पार्ट बी था उसमें हमें यही कैलकुलेट करना था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग एक्सपेंडिचर अपन को कैलकुलेट करना था ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अब नेशनल इनकम के जब हम एस्टिमेट करते तो जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है उसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना है डिस्कस टू अप्रोचेस टू करेक्ट दी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अब इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के कौन कौन से दो अप्रोचेस हैं वो भी हमें यहाँ पे बताने हैं सो द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द एस्टिशन ऑफ नेशनल इनकम तो ये जो प्रॉब्लम होती है कब अराइज होती है ड्यू टू काउंटिंग दी वैल्यू ऑफ कम्युनिटी जब हम एक कम्युनिटी की वैल्यू दो बार काउंट कर लेते हैं एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं मोर देन वंस दिस लेड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब इससे क्या होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनकी ओवर एस्टिमेशन उनका हम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है प्रोडक्शन इन प्रोड्यूस्ड इन दी इकोनोमी अब इसको करेक्ट करने के दो अप्रोचेस हैं वो कौन कौन से हैं सबसे पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एडेड टू डिटरमाइन दी नेशनल इनकम अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ही वैल्यू हम इसमें एड ऑन करते हैं ठीक है थीके? only final goods and services should be added to determine the national income isme hum intermediate goods jo hote hain unko add on nahi karte hain sirf final goods or services ko hi hum isme consider karte hain second approach hai hamari value added method so according to this method sum total of value added by each producing unit ab isme kya hota hai कि हर जितनी भी producing unit होती हैं, जितनी भी जो भी unit जो कि producing है उसकी value को हम इसमें add on करते हैं शुड ओनली टेकन इन कंसिडरेशन ठीक है सिर्फ उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं इट मीन दैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजन शुड नॉट बी कंसिडर इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर भी जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे सिर्फ प्रोड्यूसिंग कितनी प्रोड्यूसिंग यूनिट हमारे हमने प्रोड्यूस करी है सिर्फ उसे ही हम कंसिडर करेंगे ओके okay? सो so, uh, इन वैल्यू एडेड मैथ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड ओनली बी टेकन इन टू ओके सो ये दोनों हमारे पास में अप्रोचेस थे नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फॉलोइंग कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्लो वेरिएबल्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड सो सबसे पहले कैपिटल गुड्स कौन कौन से गुड्स होते हैं सो दीज आर दो फाइनल गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आगे और प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ठीक है प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्पल मशीनरी फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो इट इज दोटल ऑफ मार्केट वैल्यू अब ये जितनी भी मार्केट वैल्यू होती है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटेरी जो कि डोमेस्टिक टेरिटेरी में प्रोड्यूस हुए होते हैं ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अयर इसको हमने क्या नाम दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिर है फ्लो वेरिएबल आर दोज इकोनॉमिक वेरिएबल अब फ्लो वेरिएबल वो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किए जाते हैं एग्जाम्पल नेशनल इनकम इसलिए नेशनल इनकम को हम किसका एग्जाम्पल मानते हैं फ्लो वेरिएबल का ओके okay? और फ्लो वेरिएबल फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था स्टॉक इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज पीरियड ऑफ टाइम ओके देन द लास्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रीनियोरशिप इज द इनकम अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एंटरप्रीन्योरशिप की जो इनकम होती है वो क्या होती है इट इज द इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप अब ये वो इनकम होती है जो कि ओनरशिप से अराइज होती है अब ओनरशिप किस पे ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल या इंटरनेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है एंड रिवॉर्ड टू दिन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी फॉर्म अब ये जो भी एंटरप्रिन्योर इनका रिवॉर्ड क्या क्या होता है जैसे रेंट है रॉयल्टी है इंटरेस्ट है एंड Okay? So, प्रॉफिट the है तो वैल्यू एडेड टैक्स यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है ठीक है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश करेंसी नोट ऑफ ओल्ड महात्मा गांधी सीरीज वर बैंड एज लीगल टेंडर नोट्स अब यहाँ पे दो नोट्स दो करेंसी जो कि बैन कर दी गई थी वो कौन कौन सी थी 500 हंड्रेड एंड रुपीज थाउजेंड के नोट्स बैन हुए थे राइट ऑन विच डेट एट नवंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है एट नवम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन नेक्स्ट इज फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम लैंड होल्डिंग यानी कि फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम ओनरशिप लैंड होल्डिंग इज वॉट ओनरशिप फॉर द इंडिविजुअल इज नोन एज अब इसे क्या कहते हैं मैक्सिमम हम यहां पे मैक्सिमम काउंट कर रहे हैं तो इसको क्या नाम देते हैं लैंड सीलिंग ओके सो फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम लैंड होल्डिंग या फिर ओनरशिप फॉर एन इंडिविजुअल इज नोन एज लैंड सीलिंग नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी पी सी बी हैज आइडेंटिफाइड डैश कैटेगरीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एज पोलूटिंग इंडस्ट्रीज अब कितनी इंडस्ट्रीज को इन्होंने कैटेगराइज किया है सेवनटीन इंडस्ट्रीज को अब किनों कैटेगराइज किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल इन इंडिया हैज हायर्ड फोर थाउजेंड ग्रेजुएट स्टूडेंट अब यहां पे अपन को यह बताना है कि ये जो 4000 स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं ये कौन से सेक्टर में कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में कर रहे हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में कर रहे हैं गे? तो क्योंकि यहां पे बात हम गूगल की कर रहे हैं तो गूगल इज अ फॉर्मल सेक्टर तो यहां पे आंसर भी क्या हो गया फॉर्मल सेक्टर ओके नेक्स्ट द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कौन से ईयर में लिया गया था 1948 में ओके ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग अब यहां पे अपन को कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है ये एक्सप्लेन करना है तो so, पे भी वर्ड आता है कोऑपरेटिव तो मतलब कि को मतलब so, फार्मर का तो अगर एक फार्मर है उनको लैंड की जरूरत है और लेकिन वो इंडिविजुअली वो इतने केपेबल नहीं है कि वो उस लैंड को परचेज कर सके ओके मान लीजिए उसकी कॉस्ट उस लैंड की कॉस्ट है वन लाख रुपीज तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पांच-छह फार्मर्स को अपने साथ में इकट्ठा करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई अपन एक आ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें अपन सब मिलकर के इस लैंड को अपन परचेज करेंगे इसमें सब साथ में मिलकर कल्टीवेशन करेंगे और जो भी क्रॉप होगा जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में पांचों लोग आपस में इंडिविजुअली क्या कर लेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओके सो दिस इज नोन एज क्या होता है जो भी सर्प्ल ऑफ क्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं फार्मर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल या तो सरप्लस ऑफ क्रॉप हो या फिर जो भी सेल होती है जो भी प्रॉफिट होता है ओके okay? प्रोसीड ऑन देश ऑफ ईच इंडिविजुअल में इंडिविजुअली जितना जिसका शेयर होता है आपस में वो, वो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओके सो आई होप की कोपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन क्या होता है सी कैपिटल फॉर्मुलेशन का क्या मतलब होता है कि कैपिटल को हमें और ज्यादा फॉर्मुलेट करना है राइट अब जहां पे हम ये वर्ड लगा देते हैं ह्यूमन तो ह्यूमन मतलब ह्यूमन भी एक तरीके से हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं राइट तो यहाँ पे जो कैपिटल है और यहाँ पे हम बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे एज अ कैपिटल ओके सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन का को अगर हम समराइज करें तो इसका क्या मतलब है कि स्किल्ड और केपेबल लोग जो होते हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है ओके सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड टू the स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड capable पीपल इन the कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो जितना ज्यादा हम skilled और capable लोगों को एक साथ करेंगे उतना ज्यादा हमारी economy ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी ओके अब क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे और के बाद में उसमें क्या है वो हम समझते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम टू them मैचिंग their respective years इन the कॉलम टू अब यहाँ पे एक मैच question है अब यहाँ पे हमारे पास में दो कॉलम्स हैं हमें इनको मैच करना है सबसे पहला है जन धन योजना सो so, ये कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था 2014 में ओके देन टास्क फोर्स ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड सो ये कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था 1979 में उसके बाद में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था टू में और लास्ट है स्टडी ग्रुप फॉर्म बाय प्लानिंग कमीशन फॉर पार्टी ये कब स्टार्ट हुआ था 1962 में ओके ओके सो सो पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है दैट इज इज सी ये वाला द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट मीनिंग ऑफ कम्यून अब कम्यून क्या होता है ये एक तरीके का ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो कि साथ में तो रहते हैं लेकिन वो एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते दे डू नॉट बिलोंग फ्रॉम सेम फैमिली एंड दे लिव टुगेदर अब वो लोग क्या शेयर करते हैं वो अपने काम को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में शेयर करते हैं ओके सो कम्यून रेफर्स टू टूटम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग यहाँ पे फार्मिंग के बेसिस पे हम देख रहे हैं तो कम्यून क्या है ये एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं अंडर विच पीपल वो मेड टू कल्टिवेट फार्म लैंड अब यहाँ पे फार्मिंग की हम बात करें तो यहाँ पे ये यह सारे लोग साथ में मिलके फार्मिंग करते हैं लैंड को कल्टीवेट करते हैं इन चाइना अंडर ग्रेट प्रो कल्चरल रिवॉल्यूशन अब ये कहा देखा गया था चाइना में ये चीज देखी गई थी अंडर ग्रेट प्रोलेटेयल कल्चरल रिवॉल्यूशन ओके सो कम्यून अगर आपके एग्जाम uh, में आता है कि वॉट इज कम्यून तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये uh, ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे काफी लोग साथ में रहते हैं पर वो एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते देव टूगेदर दे शेयर दे वर्क एंड देर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके सो द नेक्स्ट इज अरेज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव अब अब इनको जो जो भी इवेंट्स हमारे पास में है यहाँ पे इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना है तो सबसे पहले है हमारे पास में क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सेकेंड नंबर पे है हमारे पास में स्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना थर्ड नंबर पर है हमारे पास में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ चाइना और लास्ट में क्या है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया ओके यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन दी फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फॉर्मल सेक्टर में इन स्पाइट ऑफ क्रिएटिंग इन इनफॉर्मल सेक्टर सो डिफेंड और रिफ्यूट दी गिवन स्टेटमेंट विद दी वैलिड आर्ग्यूमेंट अब इस स्टेटमेंट को अपन को या तो डिफेंड करना है या फिर रिफ्यूट करना है सो दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू अब ये स्टेटमेंट ट्रू है एंड कैन बी डिफेंडेड ऑन दी फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड अब फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या चीज प्रोवाइड करता है ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम फॉर्मल uh, सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को जब कंपेयर करें तो जो फॉर्मल सेक्टर है वो ज़्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करवाता है नेक्स्ट इज अंडर दैक्टर ऑफ इंप्लॉयमेंट पीपल आर इंटाइटल्ड टू बेटर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और फॉर्मल सेक्टर में लोगों को ज्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलते हैं अगर हम कंपेयर करें इन फॉर्मल सेक्टर से ओके okay? और इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है दैट इज स्टेट एंड डिस्कस एनी टू चैलेंजेस इन दावर सेक्टर ऑफ इंडिया पावर सेक्टर ऑफ इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है तो फटाफट से इसको एक बार और देखते हैं द चैलेंजेस ऑफ द पावर सेक्टर इन इंडिया आर इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज इन एडिकुएट एंड रिमेन अंडर यूटिलाइज अब इंडिया में जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अंडर यूटिलाइज है ओके okay? मतलब पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुई है द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स विच इच इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लांट लोड फैक्टर इज लो इन इंडिया अब हमारे यहाँ पे जितने भी पावर सप्लाई uh, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो काफी लो है कंपैरेटिवली, ठीक है सो द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स जो भी पावर प्रोजेक्ट्स है हमारे यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी काफी लो है नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट एट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस ई आर सफरिंग ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज अब हमारे यहाँ के जो स्ट्रेट इलेक्ट्रिशियन बोर्ड जो है वो क्या चीज़ सफर कर रहे हैं एक तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस फेस कर रहे हैं ठीक है थीके? इसके अलावा रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेस कर रहे हैं एंड अदर इनफिशियंसीज और जो दूसरी इनएफिशियज है वो भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं ओके सो यहाँ पे हमने कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में जो पावर सेक्टर जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ श्योरली ट्रिकल डाउन टू दी पीपल अंडर दी एब्सुलूट पुअर कैटेगरी अब जो ये इकोनॉमी में जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं किनको ट्रिकल कर रहा है जो एब्सुलूट पुअर कैटेगरी अब एब्सुलट पुअर कौन से लोग होते हैं जिनकी इनकम सब्सिस्टेंस लेवल से भी बहुत कम होती है ओके सो डिफेंड और रिफ्यूट दिवन स्टेटमेंट विद द वेलिड आर्ग्यूमेंट अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट अपन को गिवेन है या तो अपन को इसको डिफेंड करना है या फिर रिफ्यूट करना है So द statement is रिफ्यूटेड बिकॉज population ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन अ वेरी लो ग्रोथ इन पर capita इनकम अब जैसे जैसे हमारे यहाँ की population ग्रोथ हो रही है population में जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो इनकम पर कैपिटा है यानी कि इंडिविजुअल इनकम जो है वो काफी लो हो रही है नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी अब जैसे जैसे ये ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है एंड ऑल्सो दैप बिटवीन द रिच एंडार्मर्स और कहीं ना कहीं रिच और पुअर फार्मर्स के बीच का जो गैप इंक्रीज हो रहा है जो ये गेन हो रहे हैं यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये ज्यादा इसका ज्यादा पोर्शन किन के हाथों में जा रहा है अमीरों के हाथ में जा रहा है रिच के हाथ में जा रहा है ओके सो द इकोनॉमिक ग्रोथ है रिच इसलिए ये चीज कही जाती है कि जी जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ और जीडीपी बढ़ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो उतना नहीं बढ़ पा रहा है अब ये जो लास्ट पॉइंट हमने देखा है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर से ही रिलेट करता है ओके okay? ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड अब एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो एडवर्सली इफेक्ट हुआ है यानी कि बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है किससे बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस जो है उससे काफी एडवर्सली अफेक्ट हुआ है कौन सा सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर अब इसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है सो द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज एडवर्सली इफेक्ट बाय द रिफॉर्म प्रोसेस इन द फॉलोइंग मैनर अब सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास में Public investment. So, public investment in agriculture sector, especially. इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरीगेशन पावर एटसेट्रा है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें दोनों ही बिल्कुल एडवर्सली इफेक्ट हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा क्यों हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली किन चीजों के बेसिस पे चलता है जैसे इरीगेशन हो गया पावर हो गया है ना तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनपे बहुत ही कम फोकस किया गया है ओके सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरीगेशन पावर एटसेट्राज बीन रिड्यूसड यह बहुत कम हो गया है इन दी रिफॉर्म पीरियड नेक्स्ट रिमूवल ऑफ फर्टिला फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी मिलती थी इसको हटा करके क्या हुआ है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है सो रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज इंक्रीज दॉ प्रोडक्शन फेक्टिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इसको इस पॉइंट से सबसे ज्यादा अफेक्ट किन को हुआ है जो छोटे किसान है जो मार्जिनल किसान है उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट इसका हुआ है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई है ओके दर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिवनेस ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज अब यहाँ पे इस रिफॉर्म में क्या हुआ है कि एक तो इम्पोर्ट ड्यूटीज पे रोक लग गई है दूसरी लिबरलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब इन दोनों ही पॉइंट्स की वजह से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके उनका जो कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है यहां है ठीक क्योंकि पे हुआ कि काफी ज्यादा रिडक्शन इन इम्पोर्ट से क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्ट होता है वो अब बिल्कुल ही उसमें कहीं पे भी कोई रिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा यानी कि कहीं पे भी कोई रुकावट देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि क्या होगा कि इम्पोर्ट ज्यादा से ज्यादा होगा और हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं जो हमारे यहाँ का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनके लिए ये कौन सा फेज़ है ये कॉम्पिटिशन वाला फेज है ओके ओके सो द फोर्थ पॉइंट इज शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी अब यहाँ पे जैसे ही रिफॉर्म आया वैसे ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी आ गई यानी कि हमें ऐसा कल्टीवेशन करना है हमें ऐसी क्रॉप लेके आनी है जिससे कि जो कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो तो यहाँ पे जो फूड क्रॉप्स थी इसको इसको हटा करके कौन सी क्रॉप पे ज्यादा ध्यान देने लग गए कैश क्रॉप्स पे ठीक है ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इन एग्रीकल्चर लेड टू अ राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रीन अब क्योंकि फूड क्रॉप्स पे इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है इसलिए कहीं ना कहीं इसकी जो सप्लाई है वो कम है जिसकी वजह से क्या हो गया कि इनकी जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हाई हो गई है ओके सो so, यहाँ पे ये यह हमने चारों पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि जो हमारा रिफॉर्म है उससे एडवर्सली इफेक्ट हुआ है कौन सा सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ये चारों एग्रीकल्चरल सेक्टर के हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं अब okay, so पे तीनों कंट्रीज के बारे में बात की है कि तीनों ही कंट्रीज ने सेवन डेकेट से ज्यादा डेवलपमेंटल पाथ पे ट्रैवल किया है विद वेरी रिजल्ट अब इसके रिजल्ट क्या निकले हैं इसके बारे में हमसे यहाँ पे पूछा है सो टिलीज ऑल दी थ्री कंट्रीज अब नाइनटीन सेवनटीज तक यहाँ पे क्या था कि तीनों ही कंट्रीज ने क्या चीज मेंटेन करके रखी थी द सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट 1970 तक तीनों ही कंट्रीज में लो डेवलपमेंट देखने को मिला था ओवर द लास्ट थ्री थ्री कंट्रीज टेकन डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट और लास्ट थ्री डेकेट में क्या हुआ कि तीनों ही कंट्रीज का जो डेवलपमेंट था वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था इंडिया हैज परफ मॉडरेटली ओवर दर्स इंडिया ने थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्म किया है कुछ सालों में मेजोरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर अब ज्यादा जो पॉपुलेशन की जो ज्यादा मेजोरिटी है वो किस पर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लैक कर रहा है एंड मोर देन वन फोर्थ इज पॉपुलेशन लिव बिलो पोवर्टी लाइन और पूरी टोटल पॉपुलेशन में से वन uh, फोर्थ से भी ज्यादा लोग कहाँ पे स्टे uh, कहाँ पे रिजाइड करते हैं बिलो पोवर्टी लाइन ओके पाकिस्तान परफॉर्म लो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ने लो परफॉर्म क्यों किया है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरन एड अलॉन्ग वॉलिटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या चीज देखी गई थी सबसे पहली चीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई थी फिर ओवर uh, डिपेंडेंस किस पे थे रेमिटेंस पे ठीक है रेमिटेंस पे इनका ओवर डिपेंडेंस देखा गया था फॉरन एड अलोंग विदिटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर और कहीं ना कहीं जो इनका एग्रीकल्चर था वो भी काफी वॉलिटाइल था ओके okay? उसमें भी काफी चेंजेस देखने को मिले थे चाइना चाइना हैज मार्केट मार्केट सिस्टम 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 टू सक्सीड सक्सीड अब यहां पे जो है उन्होंने कौन सा यूज यूज किया किया था किया था होने के लिए इन रेजिंग द रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनमी विद द स्ट्रेस ऑन एलिवेशन ऑफ पोवर्टी अब यहाँ पे इन्होंने पोवर्टी हटाने के ऊपर काफी स्ट्रेस दिया था और ग्रोथ पे इन्होंने काफी फोकस किया था ओके सो यहाँ पे हमने तीनों ही कंट्रीज का डेवलपमेंटल पाथ जो उन्होंने ट्रेवल किया था मोर देन सेवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी अब यहाँ पे सेल्फ रिलायंस पे हम इतना क्यों करते हैं इसके बारे में हम हमको यहाँ पे बताना है टू डिपेंडेंस, फॉरिनिपेंडेंस सेल्फ रिलायंस पे हम इतना ज्यादा इम्फोसाइज इसलिए करते हैं ताकि हम क्या रिड्यूस कर सके फॉरन डिपेंडेंस को हम रिड्यूस कर सके ओके सो प्लानिंग टारगेटेड टू प्रमोट इकोनॉमिक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे हमको प्रमोट करना था एंड मॉडर्नाइजेशन और साथ ही में मॉडर्नाइजेशन को भी हमें यहाँ पे प्रमोट करना था द इंडियन फाइव प्लान इन दर्ली इफ पोस्ट इनडिपेंडेंस एरा स्ट्रेस्ड ऑन दूस ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज सो so, यहाँ पे ये यह बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में जो फर्स्ट फाइव इलांस थे उन्होंने किन पे फोकस किया था उन्होंने किया था डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे फोकस किया था ओके इन ऑर्डर टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन दी फॉरन कंट्रीज हमने डोमेस्टिक uh, रिसोर्सेज पे इतना फोकस क्यों किया था ताकि हम जो फॉरिन कंट्रीज है उनपे इतना डिपेंडेंट नहीं रहे ठीक है ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड फॉरिन इंटरफेरेंस इन दोस्ट इंडिपेंडेंस एरा अब इंडिपेंडेंस के बाद में क्या चीज़ देखी गई थी इट वॉज फेयरड दैट द डिपेंडेंस ऑन ये डर आ गया था कि हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरिन इम्पोर्ट्स uh, पे जो हमारा डिपेंडेंस है फॉर फूड सप्लायर्स फॉरिन टेक्नोलॉजी चाहे फिर वो फूड सप्लायर्स हो फॉरन टेक्नोलॉजी हो एंड फॉरिन कैपिटल में इंक्रीज के ये बढ़ जाएगा ठीक है फॉरन इंटरफेयरेंस इन दॉलिसीज ऑफ आ कंट्री तो इसके लिए यहाँ पे क्या हमने काफी ऐसी पॉलिसीज uh, बनाई थी जिससे कि जो फॉरन इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए ओके okay? ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर लेस वीमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उसमें जो विमेन रेशियो वो इतना कम क्यों देखा जाता है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड्स इन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन इंडिया अब हमारे यहाँ का जो वर्क है उसको हमें क्या करना है एनालाइज करना है सो so, यहाँ पे ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न देखा गया है सेक्टर वाइज 1930 1993 से ही 2012 तक ठीक है प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास में सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर है ये तीनों इयर्स गिवन है प्राइमरी सेक्टर में जैसे 64 था इन परसेंटेज वी आर टॉकिंग जैसे 64 परसेंटेज था 1999 से 2000 में 60.4 परसेंट था और 2011 में बिल्कुल कम होकर के 48.9 परसेंट रह गया सेकेंडरी सेक्टर में जैसे 16 था, 16 था से 15.8 हो गया और 2011-12 में ये बढ़ करके कितना हो गया 24.3 परसेंट सर्विस सेक्टर की जब हम बात करें तो इसमें ग्रोथ ही देखी गई 20 ट्वेंटी से 23.8 हो गया और 23.8 से हो गया 26.8 तो यहाँ अगर हम एनालाइज करें तो हम देख सकते कि सेकेंडरी सेक्टर में कुछ ज्यादा ही रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है ओके okay. सो so, सबसे पहला जो इस क्वेश्चन का पार्ट था कि एम्प्लॉयमेंट में जो विमेन होती हैं है ना वो इतनी कम क्यों होती हैं ऑन बेसिस ऑफ रेगुलर सैलरी सो लेसर विमेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एज सच जॉब्स रिक्वायर स्किल्स एंड हाई लेवल ऑफ लिटरेसी क्योंकि ऐसी जॉब्स के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं और लिटरेसी भी काफी हाई चाहिए होती है ठीक हाँ है नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग विमेन इन इंडिया ड्यू टू सोशल कॉन्स्ट्रेंस अब सोशल काउंसें की वजह से क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो अपने घर बार छोड़ नहीं पाती हैं ठीक है थीके? तो वो मोबिलिटी है उनकी वहां पे बिल्कुल स्टिफ हो जाती है ओके okay? इसलिए पे लैक ऑफ मोबिलिटी भी एक पॉइंट यहाँ पे एड ऑन uh, किया गया है फिर इस क्वेश्चन का तो जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हम देखते हैं द गिवन डेटा इंडिकेट्स दैट ओवर द गिवन पीरियड अब ये जो डेटा अपन ने देखा था उसमें हमने क्या चीज एनालाइज की है द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर हैज गॉन डाउन रेपिडली

वो एकदम से राइज अप हुआ है अप्रोक्सीमेटली नाइन परसेंट ठीक है द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ फॉर सर्विस सेक्टर हैज़ गॉन अप बाय अप्रोक्सीमेटली सेवन परसेंट और वहीं जब हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना राइज हुआ है अप्रोक्सीमेटली सेवन परसेंट तो यहाँ पे हमने ये चीज़ एनालाइज़ की है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें तो बिल्कुल रैपिड डाउन हुआ है ठीक है डिक्रीज हुआ है वर्कफोर्स जब हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करिए तो ये इन दोनों में रैपिड इंक्रीज़ हुआ है वर्कफोर्स और जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है वर्को विच इज अप्रोक्सीमेटली नाइन परसेंट और सर्विस सेक्टर में इंक्रीज तो हुआ है लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हुआ है सो so, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है अप्रोक्सीमेटली सेवन परसेंट ओके सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा इनफैक्ट आज का जो ये वीडियो है जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सारे आपको बिल्कुल फ्रूटफुल लगे होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right? सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एंड डू नॉट फर्गेट टू प्रेस दी आइकन थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सेट फोर के साथ में